नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं YouTube चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज के इस वीडियो के माध्यम से आठवां वेतन आयोग यानी कि 8th पे कमीशन आयोग का निर्धारण होगा और इसमें फिटमेंट फैक्टर किस प्रकार से कैलकुलेट, किस प्रकार से गणना की जाएगी, इसको हम लोग संक्षिप्त रूप से इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, लेकिन जो फिटमेंट फैक्टर का गठन किस प्रकार से होता है उसको सरल विधि से जानने का प्रयास करेंगे। तो इसे समझने के लिए हम लोग बोर्ड की सहायता लेंगे और बोर्ड पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स लिखी हुई है। समय की वसत के लिए, कम समय में वीडियो लंबी ना हो इसकी वसत के लिए हम लोग यहाँ पे महत्वपूर्ण पॉइंट्स को लिख करके रखे हैं। यदि इसका डिटेल रूप से आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाया जा चुका है, यदि आप उसको देखना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अवेलेबल है, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे मेन जो फोकस है, मेन जो मुद्दा है उस पर बात करते हैं। आठवां वेतन आयोग यानी कि आठवां वेतन आयोग का जब गठन होगा तो वैसी स्थिति में यह 1/1/2026 को 10 साल पूरा हो रहा है, तो इसके पहले ही आयोग का गठन हो जाना है और इस पर जितनी भी जो भी चर्चाएं होनी है वह 2026 के पहले ही हो जानी है। चर्चाएं के लिए यानी कि इस पर मंथन के लिए कुछ न कुछ समय यानी कि साल भर से डेढ़ साल इसमें समय लग जाता है, तो 1/1/2026 में यह लागू हो जाएगा। तो उस समय 2024 की बात करें, अभी फ़िलहाल 2024 की बात करें तो जो महंगाई भत्ता है डीएलएंस अलाउंस यह 50% निर्धारित हो गया है। अभी मौजूदा स्थिति की बात करें तो जो महंगाई भत्ता है डीए वह 50% है और 2026 में, ध्यान रखिएगा कि 2026 में डीए कितना बढ़ेगा, तो हम लोग इस बात से भली भांति वाकिफ हैं कि डीए का जो निर्धारण होता है प्रत्येक साल में दो बार होता है, एक जनवरी और दूसरा जुलाई महीना में। तो जनवरी और जुलाई, तो इस प्रकार से 2024 से 2026 तक देखें तो चार बार डीए में वृद्धि होगी और 3 से 4% यदि लेके चलते हैं तो उसमें मिनिमम 3 है और मैक्सिमम 4 है, तो कुछ भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे 4% डीए वृद्धि को लेकर चले हैं, तो चार बार जब डीए वृद्धि होगा तो 4 × 16 यानी कि 16% की वृद्धि 2026 में हो जाएगी, 16% की वृद्धि। और 2024 वर्तमान समय में 50% है, तो 50 और 16 को ऐड कीजिए तो यह हो गया 66%। अब यहाँ पे देखिए कि बेसिक जब गठन इसका होता है तो बेसिक को 100% मान लिया जाता है। वह जब मर्ज करने की बात होती है बेसिक और डीए, यानी कि आपका जो मूल वेतन है और महंगाई भत्ता दोनों मर्ज हो जाता है यानी दोनों मिल जाता है, तो बेसिक इस स्थिति में 100% हो गया और महंगाई भत्ता 66%। यहाँ पे देखिए जो इसका निर्धारण किए थे 66% का, तो दोनों ऐड कीजिए तो 100 और 66, तो 166% हो गया। प्रतिशत का आप 100 करेंगे, 166/100, 166 में 100 से भाग देंगे तो 1.66 आपका प्राप्त होगा। यह क्लियर हो गया, बेसिक और डीए मर्ज हो गया और मर्ज होकर के वह 1.66 का गुणक प्राप्त हो जाता है। अब देखिए कि संभावित वेतन वृद्धि या संभावना लेकर के चल रहे हैं, याद कीजिएगा सातवां वेतन आयोग में वेतन वृद्धि हुई थी वह 14.3% के लगभग थी, यानी 14.3% एक्यूरेट ही था, तो उतनी वृद्धि हुई थी सातवां वेतन आयोग में यानी कि वह लगभग 14.2 उसे 14.3% हम लोग लगभग में मान चुके हैं। लेकिन यहाँ पे जब आठवां वेतन आयोग का गठन किया जाएगा तो इस समय संभावित वेतन वृद्धि हम लोग मान करके चलते हैं कि 15 से 20 के रेंज में हो सकता है। पिछले बार 14% के लगभग हुआ था, तो निश्चित रूप से महंगाई के अनुसार से जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि जो मुद्रास्फीति की दर है वह 80% है और उस आधार पे अभी भी 50% ही महंगाई भत्ता देय है, तो उस स्थिति में इसमें निश्चित रूप से वृद्धि होनी ही होनी है। तो 15 से 20% में यदि लें तो कुछ, यदि हम अधिक ना लें, पिछले बार 14% का हुआ था तो यहाँ पे 15 ही लेकर के चले और जितनी वृद्धि होगी तो यह संभावित है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा,
यह वृद्धि कितनी होती है इस पर डिपेंड करेगा आपका फिटमेंट फैक्टर। उसके बाद आपका जो डीए है, डियरलेंस अलाउंस महंगाई भत्ता, वह किस प्रकार से किस आधार से इंक्रीज होता है, उसी अनुसार से आपका ये जो गुणक प्राप्त होगा बेसिक और डीए मर्ज होकर के यह प्राप्त होगा, यह बढ़ेगा। और उसके बाद महंगाई भत्ता भी, यदि यह जो संभावित वेतन वृद्धि है यह भी यदि बढ़ता है तो आपका फिटमेंट फैक्टर निश्चित रूप से अधिक होगा। और फिटमेंट फैक्टर अधिक होगा तो पिछला जो बेसिक है उस अनुसार से गुणक होने के बाद जो न्यूनतम बेसिक है वह अधिक बनेगा। तो चलिए जो भी हो हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, 1.66 का गुणक हमें प्राप्त हुआ है बेसिक और डीए मर्ज होने के बाद। अब एक एक्सपेक्टेड सैलरी इंक्रीजमेंट की बात करेंगे, संभावित वेतन वृद्धि की। तो 15 से 20% होने की संभावनाएं निश्चित रूप से है, 15 ही मिनिमम लेके चलते हैं। न्यूनतम पर हम लोग सीखेंगे कि फिटमेंट फैक्टर का निर्धारण किस प्रकार से होता है। तो यह 15% न्यूनतम हो गया। अब 15% का, अब यहाँ देखिए एक अक्रूड फॉर्मूला के आधार पर ही यह फिटमेंट फैक्टर का निर्धारण होता है, और 8th पे कमीशन या कोई भी पे कमीशन हो उसमें इस फॉर्मूला का ज़्यादा मान्यता है, प्रचलन ज़्यादा है। तो वेतन वृद्धि 15% का 1.66, इसका आप सॉल्यूशन करेंगे 15% का 100 × 1.66, हल करने के बाद 0.249 प्राप्त होगा। और इसे लगभग में 0.25 ले लिए, 9 आया, 4 में ऐड हो गया तो यह 5 हो गया, यानी कि 0.25 हो गया। यह प्राप्त हुआ फिर इस प्रकार से गुणा का। अब देखिए फिटमेंट फैक्टर के लगभग हम लोग आ चुके हैं। फिटमेंट फैक्टर में यानी कि FF में यह 1.66 बेसिक और DA 1.66 मर्ज हुआ था, तो यह गुणक और प्लस यह जो प्राप्त हुआ था संभावित वेतन वृद्धि जो अक्रूड फॉर्मूला के आधार पर था 0.25, तो इसको दोनों को आप ऐड कीजिएगा तो 1.91 गुना प्राप्त होता है। यही आपका फिटमेंट फैक्टर का गुणक है, 1.91। अब देखिए कि 8th पे कमीशन में जो न्यूनतम बेसिक सैलरी है उस पर हम बात करेंगे, अधिकतम आप उसको गुना करके फिटमेंट फैक्टर से जितना आपकी बेसिक सैलरी होगी उस अनुसार से गुना करते जाएंगे, उसके बाद आपकी वह बेसिक सैलरी होगा, उसमें फिर जो वेतन का निर्धारण होगा वह HRA, उसके बाद मेडिकल, फिर जो भी अलग प्रकार का अनाउंस है वह ऐड होगा, उसको ऐड करने के बाद CTA या जो भी हो जिस प्रकार से, उसके बाद इन हैंड कट करके जो प्राप्त होता है। तो हम लोग सिर्फ समझेंगे मुख्य रूप से कि यह जो गुणक प्राप्त हुआ, तो पिछला बेसिक, तो पिछला बेसिक याद कीजिए 7th पे कमीशन जब लागू हुआ था तो वहाँ पे न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपया निर्धारित था, और इसमें अब 1.91 से गुना करेंगे फिटमेंट फैक्टर से, यानी पिछला बेसिक गुना FF 8th पे वाला, यह हो गया गुना करने के बाद 34,380 रुपया प्राप्त हुआ। अर्थात आपकी जो नई न्यूनतम बेसिक सैलरी होगी 34,380 रुपया प्राप्त होगा, यह न्यूनतम की बात किए हैं। अब जिस प्रकार से आपकी बेसिक सैलरी 7th पे में है 21,000 या जो भी है जिस अनुसार से है, उसमें आपको यहाँ 1.91 फिटमेंट फैक्टर से गुना करते जाएंगे तो यह तो सबसे कम है, उसके बाद इससे ज़्यादा क्या होगा, इससे ज़्यादा क्या होगा और सबसे अधिक क्या होगा, तो उतनी जो 7th पे में आपकी सैलरी थी उस सैलरी में फिटमेंट फैक्टर को गुना करते चलेंगे तो इस आधार पर आपका पुनः वह नई बेसिक सैलरी प्राप्त होगी। और उस नई बेसिक सैलरी में 6 महीने तक उसमें DA इंक्लूड नहीं होगा, DA को 0 लेकर के चलेंगे, क्योंकि 6 जनवरी में लागू होगा 8th पे कमीशन, तो उस आधार पे जुलाई के पहले तक आपकी सैलरी यानी कि DA विदाउट होगी, यानी DA उसमें 0 रहेगा, DA आपका डियरलेंस अलाउंस 0% होगा। फिर उसके बाद HRA इसमें 4 से यानी 5 से
उसके बाद 7.5% नई जो घोषणा हुई है उस आधार पर चलते हैं। एचआरए सरकार दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती, लेकिन यह तो निर्धारित है, देना ही देना है। इसके बाद इसमें आपका और भी कुछ अलग प्रकार का मेडिकल फिर जुटेगा, एमए, फिर सीटीए भी जोड़ेंगे, फिर टीए वगैरह जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से जोड़ने के बाद जो टोटल सैलरी होती, कुछ डिडक्शन भी होगा, यदि आप जिस प्रकार से डिडक्शन ईपीएफओ में करवाना चाहते हो, या तो फिर एनपीएस में हो रहा है आपका डिडक्शन, या तो फिर ओपीएस में हो रहा है, तो ओपीएस की बात ही अभी फ़िलहाल नहीं कर पाएंगे। एनपीएस में जो 14% है, 14% डिडक्शन होता है, इसको कटाने के बाद सारा चीज़ एडिंग करने के बाद इन हैंड जो भी बचेगी आपकी सैलरी बच जाएगी। तो हम लोग मुख्य रूप से इन्हीं बिंदुओं की चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए थे कि कोई भी पे कमीशन का गठन होता है तो उसमें फिटमेंट फैक्टर का निर्धारण किस प्रकार से होता है। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।